नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सांस्कृतिक मैदान का भूमि पूजन विधायक रईस शेख के हाथों किया गया। बता दें, फेने गांव स्थित समाज सेवक मनोज सिंह ठाकुर के प्रयास से विधायक रईस शेख से 18 लाख की निधि मंजूर कराकर सांस्कृतिक मैदान का भूमि पूजन विधायक रईस शेख के हाथों किया गया। इस अवसर पर मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष अजय यादव, माजी नगर सेवक सुरेश पाटिल, मनोज सिंह ठाकुर, अनिल सिंह, बिहारी समाज भिवंडी शहर अध्यक्ष गणपत चौधरी, रमाकांत यादव, संजय यादव, बबलू प्रजापति, डॉक्टर नंदलाल पटेल, राजेश यादव, अशोक बिंद, राजा पाटिल, यार मोहम्मद आदि मान्यवर उपस्थित थे। वहीं मानसरोवर स्थित कई जगह रास्ते की समस्या का रईस शेख ने दौरा कर पेवर ब्लॉक लगाने का आश्वासन दिया। अधिक जानकारी देते हुए विधायक रईस शेख और समाज सेवक मनोज सिंह ठाकुर ने क्या कहा, देखते हैं इस खबर में। देखिए, ये छोटा सा गार्डन है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि स्थानिक लोगों के लिए यहाँ पे अच्छी सुविधा बने। आज 19 लाख की निधि से यहाँ पर काम शुरू हो रहा है और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये काम हो, लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें। यहाँ की समस्या और भी बहुत है, पानी की समस्या है। धीरे धीरे हम सारी समस्याओं पर काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हर एक समस्या पर काम करके ये परिसर को हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखा सत्संग हो रहा था तो देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आज मुझे बताया गया कि यहाँ सत्संग हो रहा था। कोई भी धार्मिक क्रिया जो होती है उसमें बाधा नहीं आए, ये पहले उद्देश्य होगा। तो अगर कोई परेशानी है, मैं सबको लेके बैठता हूँ। मुझे कहा गया था गार्डन बना के, तो गार्डन में कुछ भी नहीं हो रहा है। दीवार विवार व्यवस्था जो है, जहाँ पर बहुत ही गंदगी है, वो सब ठीक किया जा रहा है। जो लोग हैं उनको लेकर बैठ कर बात करके ही कोई काम करेंगे। लोगों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। देखा जाए कि सारे त्योहार चल रहे हैं, बड़े कुछ तो आने वाला सामने, रोडी चल खड्डों से बहुत भरा हुआ है, इस पे क्या कहोगे सर? देखिए, मैं 5 साल से देख रहा हूँ कि खड्डों से बहुत बुरी हालत है। जहाँ जहाँ कोशिश मैं कर रहा हूँ कि सारे RCC रोड बने, महानगर पालिका पूरी तरह से विफल है और वो विफलता की वजह से ये परेशानी है। लेकिन फिर भी आने वाले 2 दिनों में कमिश्नर से मिलकर जहाँ जहाँ हो सकता है सुविधा दे के यहाँ पर परेशानी का हल करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि वो हमारे एरिए में आए और हमें बुलाए और साथ में हमारे यहाँ जहाँ हमको जो तकलीफें रही, जैसे वहाँ उद्घाटन किए, उसका काम हमें ही दिए हैं। तो यहाँ पार्टी वाइज बात नहीं है, एक हमारा वो आमदार है। किसी भी पार्टी को जो आमदार जब आता है तो आमदार होता है, न कि उसमें पार्टी वाइज होता है। मैं पार्टी के हिसाब नहीं, मैं एक आमदार मेरा था और दूसरा मेरा वहाँ काम था, उसके हिसाब में वहाँ गया, उसकी भूमि पूजन हुई। और दूसरा चीज, वहाँ पानी की समस्या थी, उसको उन्होंने हल करके दिया हमको। 10 से 15 दिन के अंदर पानी की लाइन चालू कर देंगी, ये 2 काम। तीसरा काम हमको, ये रोड का प्रॉब्लम यहाँ था, 2 एक बार मैं भी देखा कुछ औरतें गिर गई यहाँ पे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए हमको ला के दिखाया कि भाई कुछ भी फंड आपका हो तो उसमें ला करके थोड़ा सा कब मदद कर देंगे, तो चारों बिल्डिंग का आने जाने का रास्ता हो जाएगा। तो इस हिसाब से इन्होंने प्योर ब्लॉक का हमको आश्वासन दिया है, वो भी शायद 10 दिन के अंदर तक हो जाएगा। देखा जाए कि आपका फैसलाबादी होने के बाद भी आप नहीं, ऐसा नहीं, हमारे उत्तर भारतीय सब साथ में, चाहे यूपी हो या बिहार को, कोई भी रहा हो, जो मेन थे, फेना गाँव भी आप देखे होंगे। अब एक्चुअली में एकाएक प्लान बना, 11 भी मेरे पास फोन आया अजय यादव जी का, जो हमारे गाँव के हैं, तो उसके हिसाब से हम पहले उत्तर भारतीय हैं, बाद पार्टी वाइज। हमारा गांव वाला कोई भी किसी पार्टी किसी भी दल का रहेगा, कोई भी समस्या रहेगी, अगर वो फोन करता है तो हम पहले उसके साथ खड़े हैं। सभी त्योहार चल रहे हैं, आने वाला भी करेंगे, बचे हुए हैं, रोड की समस्या बहुत थी, इस विषय में आपने आमदार जी से चर्चा की क्या? देखिए, एक्चुअली जो रोड की समस्या है आज से नहीं, बहुत पहले से, फिर भी हमारे यहाँ के जो 52 रोड पास हुए तो उसका काम चालू, सब छोट जगह। अब कोई चीज एकाएक तो बनेगा नहीं, उसमें समय लगेगा, वही चीज आमदार ने बोला, वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे बनेगा, कोशिश जारी है। यह है कि 2 साल बाद भिवंडी का कायाकल्प चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी समय लगेगा। जो जितनी सारे अभी जो हिसाब से सब लोग जितनी निधियाँ ला रहे हैं रोड का, जिसका जो भी है, काम चल रहे हैं, ये 2 साल बाद कायाकल्प भिवंडी का चेंज हो जाएगा। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।